रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जनरली किस बैक्टीरिया के थ्रू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन आपके पास है साल्मोनेला, सेकेंड ऑप्शन है विब्रियो, थर्ड ऑप्शन है ई कोलाई, फोर्थ ऑप्शन है क्लेबसेला। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से कीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली किसके थ्रू कोज होता है, साल्मोनेला, विब्रियो, ई कोलाई या फिर क्लेबसेला। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर इस क्वेश्चन का अपन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन लगाते हैं तो यहां पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लेबसेला के थ्रू क्या होगा यहां पर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जनरली आप सबको पता होगा, जनरली आप सबको पता होगा कि साल्मोनेला टाइफी जो होता है टाइफाइड कोज करता है, क्या कोज करता है, टाइफाइड कोज करता है। विब्रियो कोलेरी जनरली डायरिया यानी कोलेरा कोज करता है, जनरली कोलेरा कोज करता है, और ई कोलाई भी डायरेक्टली जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है, अल्सर कोज करवाता है, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो तीन ऊपर के वाले जो ऑप्शन है बेसिकली ये जीआई सिस्टम से रिगार्डेड है, किस सिस्टम से रिगार्डेड है, जीआई सिस्टम से रिगार्डेड है, और बेसिकली ये जीआई सिस्टम से रिगार्डेड प्रॉब्लम कोज करते हैं। लेकिन क्लेबसेला जो है जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है, क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिगार्डेड क्लेबसेला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं, क्लेबसेला के अलावा और कौन यहां पर एक तरीके से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवा सकता है, तो बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया की बात करने के साथ अगर अपन कहे बैक्टीरिया कौन कौन करवाता है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप जानते होंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा आप कह सकते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करवाता है। उसके अलावा आपका क्लेबसेला हो गया, क्लेबसेला भी आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। उसके अलावा आप स्टेफाइलोकोकल जनरली ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ क्लेबसेला की जगह दूसरा कोई ऑप्शन आपको पूछा जाए, तो यहां पर एच इन्फ्लुएंजा आपको दिया जा सकता है, स्टेफाइलोकोकस आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा एक ऑप्शन और दिया जा सकता है जिसको आप जनरली लीजियोनेला कहते हैं, लीजियोनेला आप कहते हैं, याद रखिएगा नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी आपका क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, याद रहे भूलना नहीं है। अगर यहीं पर अपन कहें कि वायरस कौन करवाता है, कौन सा वायरस आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है जनरली, तो याद रखिएगा वायरस की अगर अपन बात करें तो एडेनो वायरस, कौन सा वायरस, एडेनो वायरस। जनरली अगर मैं बात कहूं वायरसेस की को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन करवाता है, तो बैक्टीरिया की बात की अपन ने, क्लेबसेला बैक्टीरिया, एच इन्फ्लुएंजा है, स्टेफाइलोकोकस है, ये आपको याद रखना है बेसिकली एग्जाम्पल में, और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऐसी तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर वायरस की बात करें तो जनरली आपका जो एडेनो वायरस होता है वो कोज करवा सकता है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसके अलावा आपका जो एंटेरो वायरस है ये भी जनरली ये क्या करवा सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करवा सकता है। उसके अलावा जनरली आपने राइनो वायरस का नाम सुना होगा, राइनो वायरस जनरली रनिंग नोज करवाता है, बिल्कुल ये भी आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करवा सकता है। तो जनरली ये वायरस है बेसिकली, इनका एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, इसलिए आपको मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए आपको नोट कर लेना है, आपको याद रख लेना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।